हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकअप चैनल। गाइस, आप देख रही हो कोरोना वायरस COVID-19 कितनी बुरी तरीके से इंडिया एंड अदर्स कंट्री में फैल रही है। इसे बचने के लिए दोस्तों आप हमेशा मास्क पहने रहिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए एंड दोस्तों आप जरूर टीका ले लीजिए। इस तरीके से दोस्तों अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल यूज करती हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करती हो, नेट बैंकिंग करती हो या कुछ इस तरीके से काम करती हो तो आपको एक एंटीवायरस लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक एंटीवायरस नहीं लेंगे तो आपके कंप्यूटर, आपकी लैपटॉप की हार्ड डिस्क परमानेंटली डैमेज हो सकती है एंड आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेटा, आपकी पासवर्ड सब कुछ आपको बाहर लीक हो सकती है एंड दोस्तों आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन सभी से बचने के लिए आपको जरूरत है एक एंटीवायरस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिट डिफेंडर एंटीवायरस के बारे में एंड ये एंटीवायरस ग्लोबल में नंबर वन है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कैस्पर्स का एंटीवायरस को यूज करती हो। अगर आप कैस्पर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे उधर भी आपको मिल जाएंगे, बिट डिफेंडर नंबर वन में है एंड कैस्पर्स उसके बाद है। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप बिट डिफेंडर को इस्तेमाल करेंगे, मतलब कैसे आप डाउनलोड करेंगे, कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, क्या क्या फीचर्स है एंड इसकी प्राइस कैसी है, कैसे आप परचेस करेंगे। बिट डिफेंडर के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए एंड दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल नया है प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन में। तो दोस्तों सबसे पहले आप गूगल में सर्च कर लेना बिट डिफेंडर, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा इस वेबसाइट में www.bitdefender.com। दोस्तों ये है इसकी वेबसाइट एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ग्लोबल लीडर इन साइबर सिक्योरिटी, ये है बिट डिफेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों इसके बाद इधर आपको मिल जाएंगे होम के लिए सॉल्यूशन, आपकी पीसी, मैक, लैपटॉप के लिए एंड अगर आपके पास कंपनी है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। तो हम जाएंगे होम के अंदर एंड उसके बाद क्लिक करेंगे सी सॉल्यूशन में। तो दोस्तों एक न्यू पेज ओपन हो गया है एंड आप देख सकते हो अवार्ड विनिंग साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद दोस्तों इधर आप देखिए पीसी एंड लैपटॉप के लिए ऑप्शन, मैक के लिए ऑप्शन, एंड्रॉइड के लिए ऑप्शन एंड आईओएस के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम क्लिक करेंगे पीसी में। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो स्मॉल ऑफिस सिक्योरिटी, प्रीमियम सिक्योरिटी, टोटल सिक्योरिटी एंड उसके बाद इंटरनेट सिक्योरिटी एंड एंटीवायरस प्लस। कुछ इस तरीके से आपको 5 टाइप ऑफ एंटीवायरस मिल जाएंगे एंड हर एक की प्राइस आपको अलग अलग मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे बिट डिफेंडर टोटल सिक्योरिटी के बारे में एंड ये मोस्ट पॉपुलर है एंड इसको मैं पर्सनली 2 साल से इसको यूज कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हो इधर से इसको परचेस करने के लिए तो आपको क्लिक करना पड़ेगा बाय नाउ इस ऑप्शन में। उसके बाद देखिए बिलिंग पेज आ गया है एंड इधर आपको 1 ईयर की सपोर्ट मिल जाएंगे एंड आपको 5 डिवाइस कवर होंगे एंड आपको प्राइस पड़ेंगे अप्रॉक्स 3600 रुपीज। दोस्तों अगर आप चाहती हो 5 डिवाइस के लिए परचेस करने के लिए तो इधर से आप बिलिंग एंड पेमेंट डिटेल्स में जाइए, उसके बाद आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए एंड उसके बाद आपकी परचेस कम्प्लीट हो जाएंगे। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हो और भी कम प्राइस में इसको परचेस करने के लिए तो आप जाइए अमेजोन पे, इधर आप देखिए बिट डिफेंडर 1 कंप्यूटर 1 ईयर एंड टोटल सिक्योरिटी आपको मिल जाएंगे ऑनली 310 रुपीज में। तो दोस्तों आपकी परचेस करने के बाद आपको फिर से आना होगा इस पेज में, उसके बाद आप जाइए लर्न मोड में। उसके बाद देखिए इधर आपको मिल जाएंगे एक ऑप्शन डाउनलोड फ्री 30-डे ट्रायल एंड उसके नीचे कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे क्या क्या है इस एंटीवायरस में, जैसे अनबीटेबल थ्रेट डिटेक्शन टू स्टॉप सोफिस्टिकेटेड मालवेयर। उसके बाद आपको मिल जाएंगे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट 0-डे अटैक। उसके बाद आपको मल्टी लेयर रैंसमवेयर प्रोटेक्शन मिल जाएंगे, आपको पर डे 200 MB के VPN मिल जाएंगे डेली के डेली। उसके बाद आपको पेनिट्रेंस कंट्रोल मिल जाएंगे एंड आपकी सिस्टम या आपकी कंप्यूटर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। सब कुछ देखने के बाद आपको जाना पड़ेगा डाउनलोड फ्री 30-डे ट्रायल में। उसके बाद आप लेफ्ट साइड में देखिए आपकी ट्रायल डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों इसको आपको करना है ओपन, उसके बाद शो इन फोल्डर में जाइए एंड देखिए दोस्तों आपकी डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर दीजिए एंड उसके बाद आप जाइए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इस ऑप्शन में एंड दोस्तों आप देखिए प्रिपेयरिंग योर सिस्टम फॉर इंस्टॉलेशन, आपकी रेडी हो रही है इंस्टॉलेशन के लिए। एंड दोस्तों नाउ आपकी इंस्टॉलेशन डाउनलोड स्टार्ट हो गया है एंड इसकी साइज है 476.9 MB की एंड दोस्तों 1-2 मिनट के अंदर ही ये डाउनलोड कम्प्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपकी देखिए डाउनलोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है एंड उसके बाद प्रिपेयरिंग बिट डिफेंडर सिक्योरिटी रेडी हो रही है। उसके बाद दोस्तों आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है, उसके मतलब यू रीड एंड एक्सेप्ट द सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट एंड इधर से आपको लैंग्वेज अगर चेंज करना चाहते हो इधर से पॉसिबल है। उसके बाद दोस्तों आपको करना पड़ेगा इंस्टॉल में क्लिक एंड आपकी इंस्टॉल रेडी हो रही है।
एंड दोस्तों आप देख सकते हो इधर दो शॉर्टकट भी आ गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो बिट डिफेंडर इज नाउ इंस्टॉल्ड, आपकी इंस्टॉलेशन फुल्ली कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा स्टार्ट डिवाइस असाइनमेंट इस ऑप्शन में। उसके बाद दोस्तों आपकी फुल सिस्टम मतलब आपकी कंप्यूटर एंड लैपटॉप फुल्ली स्कैन होगा, अगर कोई वायरस मिलेगा तो उसको वो रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों फुल स्कैन होने के लिए एक दो मिनट टाइम लगेंगे। तो दोस्तों फुल सिस्टम स्कैन फुल्ली कंप्लीट हो गया है एंड कोई भी वायरस इधर नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों आपको जाना पड़ेगा इस ऑप्शन में क्रिएट बिट डिफेंडर अकाउंट में। उसके बाद दोस्तों इधर आपको नाम देना पड़ेंगे, ईमेल एड्रेस देना पड़ेंगे एंड आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो इधर आप जो भी ईमेल आईडी देंगे उसके ऊपर एक मेल जाएंगे आपकी ईमेल को वेरीफाई करने के लिए। तो आप जीमेल को ओपन करके इसको वेरीफाई कर लेना। उसके बाद दोस्तों इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है, मतलब आई एग्री विद द लीगल टर्म्स। उसके बाद आपको करना पड़ेगा क्रिएट अकाउंट में क्लिक एंड अकाउंट क्रिएट हो रही है। उसके बाद दोस्तों इधर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, सबसे पहले आई हैव एन एक्टिवेशन कोड। अगर आप परचेस करेंगे तो आपको ईमेल में एक कोड आएंगे या आपकी होम में भी डिलीवर हो सकती है, उस कोड को इधर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों वो एक्टिवेशन हो जाएंगे एंड उसके बाद दोस्तों इधर एक आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आई डोंट हैव ए सब्सक्रिप्शन आई वांट टू ट्राई द प्रोडक्ट फॉर फ्री। मतलब अगर आप चाहते हो इस प्रोडक्ट को एज ए ट्रायल वन मंथ बिल्कुल फ्री में यूज करने के लिए एंड उसके बाद एक्टिवेट करने के लिए, तो आप आइए इस ऑप्शन में, उसके बाद जाइए कंटिन्यू में। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो थैंक यू फॉर चूजिंग बिट डिफेंडर, इधर आपको सब्सक्रिप्शन डिटेल्स मिल जाएंगे, अप टू 10 डिवाइस कवर है क्योंकि ये ट्रायल में अभी है एंड आपकी ट्रायल एंड हो जाएंगे 27th of May 2021। उसके बाद दोस्तों आपको करना पड़ेगा फिनिश में क्लिक। तो दोस्तों आप देखिए बिट डिफेंडर टोटल सिक्योरिटी की कुछ लुक आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हर एक ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे, मतलब आप अगर इस वीडियो को फुल देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे बिट डिफेंडर को यूज करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले एक रिकमेंड है, देखिए रैंसमवेयर रेमेडिएशन रिकमेंडेशन, इसको आप एनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डैशबोर्ड के बारे में। तो इधर आप देखिए क्विक स्कैन, सिस्टम स्कैन, वल्नरेबिलिटी स्कैन, वीपीएन सेफ पे कुछ आपको शॉर्टकट मिल जाएंगे एंड अगर आप चाहते हो और भी शॉर्टकट ऐड करने के लिए तो आप जाइए एड ए क्विक एक्शन में। तो समझिए मुझे इस ऑप्शन को शॉर्टकट में लाना है, तो इधर हम क्लिक करेंगे उसके बाद हम ऐड कर देंगे। तो देखिए ऐड हो गया है, इससे दोस्तों आप एडिट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों इधर आपको मिल जाएंगे प्रोटेक्शन की ऑप्शन, इधर आपको मिल जाएंगे सबसे पहले एंटीवायरस की, इसको आप ओपन करेंगे तो देखिए इधर आपको क्विक स्कैन के ऑप्शन मिल जाएंगे, सिस्टम स्कैन के ऑप्शन मिल जाएंगे एंड रेस्क्यू एनवायरमेंट के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे एंड इधर आपको सेटिंग्स भी है, क्या क्या सेटिंग्स आपको हिसाब से कर लेना एंड इधर आपको कुछ एडवांस ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इधर आपको मिल जाएंगे एडवांस थ्रेट डिफेंस, इसको आप ओपन करेंगे तो इधर आप देखिए योर डिवाइस इज थ्रेट फ्री, मतलब कोई वायरस नहीं है एंड उसके बाद इधर आपको सेटिंग्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इधर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन थ्रेट प्रिवेंशन, मतलब अगर आप ऑनलाइन में कुछ गलत पेज में चले जाएंगे तो इधर से आपको बचाएंगे इस ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों इधर आपको मिल जाएंगे वल्नरेबिलिटी, उसके बाद आपकी फायरवॉल के ऑप्शन मिल जाएंगे, रैंसमवेयर रेमेडिएशन मिल जाएंगे एंड आपकी ईमेल के लिए एंटी स्पैम की ऑप्शन भी मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे प्राइवेसी में, तो इधर आपको मिल जाएंगे सेफ्टी की ऑप्शन, मतलब अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में बैंकिंग के काम कर रही हो तो इसको आप ऑन कर लेना। कैसे ऑन करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे डैशबोर्ड में, उसके बाद सेव पे में क्लिक करेंगे तो दोस्तों उसके बाद इधर आपको मिल जाएंगे पासवर्ड मैनेजर, आपकी जो पासवर्ड है जितनी सारी पासवर्ड है वो आराम से इधर सेव कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों वीडियो एंड ऑडियो प्रोटेक्शन, अगर आप कंप्यूटर से लाइव कॉल या लाइव कुछ करते हो तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इधर आपको मिल जाएंगे एंटी ट्रैकर के ऑप्शन, मतलब आप अगर किसी पेज में जाकर कुछ ब्राउजिंग करेंगे तो कोई ट्रैक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों इधर आपको मिल जाएंगे पेरेंटल कंट्रोल के ऑप्शन, अगर आपके घर में छोटा किड्स है तो दोस्तों आप इसको ऑन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों इधर आपको मिल जाएंगे यूटिलिटीज, सबसे पहले आपको मिल जाएंगे एंटी थेप, मतलब अगर आपके डिवाइस चोरी हो जाएंगे तो आराम से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गो टू सेंट्रल में, उसके बाद दोस्तों आपकी ईमेल आईडी देना है जो ईमेल आईडी से आप बिट डिफेंडर अकाउंट क्रिएट किया हो। उसके बाद आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट एंड आपको पासवर्ड देना है एंड उसके बाद आपको साइन इन कर लेना है। तो दोस्तों इधर से आपकी डेस्कटॉप की हर एक डिटेल्स आपको मिल जाएंगे एंड अगर आपकी डिवाइस चोरी हो जाएंगे तो इधर से आप आराम से रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद आपको मिल जाएंगे वन क्लिक ऑप्टिमाइजर, आपकी कंप्यूटर आपकी लैपटॉप में जितनी भी सारी अननेसेसरी फाइल्स है जंक फाइल्स है सब कुछ वो रिमूव कर देंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस ऑप्शन में ऑप्टिमाइज, उसके बाद देखिए दोस्तों जंक फाइल रजिस्ट्री क्लीनअप प्राइवेसी क्लीनअप सब कुछ वो ऑटोमेटिक स्कैन कर लेंगे। उसके बाद आप कर दीजिए ऑप्टिमाइज।
तो दोस्तों आपके कंप्यूटर एंड लैपटॉप से आने ही से फाइल रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे प्रोफाइल्स की, आप जाइए सेटिंग्स में, इधर आपको मिल जाएंगे वर्क प्रोफाइल, मूवी प्रोफाइल, गेम प्रोफाइल। समझिए अगर आप गेम खेल रही हो तो इसको आप ऑन कर दीजिए, अगर आप मूवी देख रही हो तो इसको आप ऑन कर दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप चाहते हो एक्टिवेट प्रोफाइल्स ऑटोमेटिकली तो इसको जस्ट आप ऑन कर दीजिए, उसके बाद दोस्तों आप जो भी टास्क करेंगे उसके हिसाब से ये प्रोफाइल वो ऑन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएंगे डाटा प्रोटेक्शन एंड फाइल शेडर की ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कोई भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए एंड किसी से भी वो रिकवर ना हो तो आप जाइए फाइल शेडर में, उसके बाद एड आइटम में जाइए एंड जिधर से आपकी फाइल है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आप ओके कर दीजिए। इसे दोस्तों आपकी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाएंगे नोटिफिकेशन की ऑप्शन, इधर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मिल जाएंगे सेटिंग्स की ऑप्शन, तो इधर आपको सबसे पहले जेनरल के अंदर मिल जाएंगे पासवर्ड प्रोटेक्शन। अगर आप चाहते हो इसको ऑन करने के लिए तो दोस्तों इधर आपको पासवर्ड देना पड़ेंगे, इसके मतलब दोस्तों कोई भी बिट डिफेंडर सेटिंग्स की कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाएंगे सिक्योरिटी विजिट की ऑप्शन, स्पेशल ऑफर, आप अगर चाहते हो स्पेशल ऑफर लेने के लिए तो इसको आप ऑन कर दीजिए वरना आप इसको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद रिकमेंडेशन नोटिफिकेशन, इसको आप ऑन ही रखने दीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट लैंग्वेज, अगर आप चाहते हो कोई दूसरा लैंग्वेज यूज करने के लिए तो आप इधर से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। एंड इधर आपको लास्ट में मिल जाएंगे डार्क मोड, इसको आप ऑन कर देंगे तो डार्क मोड हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इधर आपको मिल जाएंगे एडवांस की ऑप्शन, इधर आपको प्रॉक्सी सर्वर, प्रोडक्ट रिपोर्ट, स्कैन होस्ट फाइल, जो भी है सब कुछ सेम रहने दीजिए। उसके बाद आपको मिल जाएंगे अपडेट की ऑप्शन, मतलब अपडेट ऑटोमेटिकली अगर आप चाहती हो इसको आप ऑन ही रखने दीजिए, कितनी देर की इंटरवल होंगे एक अपडेट के बाद 1 आवर, उसके बाद साइलेंट अपडेट, इसको भी आप ऑन रखिए। एंड दोस्तों इधर आप ऊपर में देखिए आपकी प्रोफाइल नजर आएंगे एंड आप इस ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों, इधर आपको सपोर्ट की ऑप्शन मिल जाएंगे, इससे आप दोस्तों मिनिमाइज कर सकते हो एंड इसे दोस्तों आप क्लोज कर सकते हो। एंड उसके बाद दोस्तों इधर आपको मिल जाएंगे वीपीएन की ऑप्शन, आप जस्ट वीपीएन में क्लिक कर दीजिए डबल क्लिक। उसके बाद दोस्तों इधर आपकी वीपीएन ऑन हो जाएंगे, इधर आप देखिए इस ऑप्शन में आपको जस्ट क्लिक करना है एंड दोस्तों आपकी वीपीएन स्टार्ट हो गया है एंड आपको 200 MB की वीपीएन मिल जाएंगे पर डे। अगर आप चाहते हैं इसको ऑफ करने के लिए तो आप जस्ट इधर क्लिक कर दीजिए तो आपकी वीपीएन डिस्कनेक्टेड हो गया है। एंड लास्ट में जाइए दोस्तों आप टास्क बार में, इसी बार को टास्क बार कहती है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे जाइए एंड इधर आप क्लिक कर दीजिए बिट डिफेंडर इस ऑप्शन में एंड आप राइट क्लिक कर दीजिए भी। अगर आप चाहते हो बिट डिफेंडर शो करने के लिए तो आप इधर क्लिक करेंगे तो आपकी बिट डिफेंडर ओपन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप अबाउट में जाएंगे, इधर आपको प्रोडक्ट अपडेट की साइट एड्रेस इधर आपको मिल जाएंगे। एंड उसके बाद दोस्तों आप अगर चाहती हो ओजेट को देखने के लिए तो इधर आप क्लिक करेंगे तो इधर आपको मिल जाएंगे एक ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे अपडेट नाउ करने के लिए, अगर आप चाहते हो इसको अपडेट करने के लिए मैनुअली तो इधर आप जाइए। तो दोस्तों मैनुअली आपकी बिट डिफेंडर की सिक्योरिटी अपडेट कंप्लीट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए 100% कंप्लीट हो गया है एंड अपडेट कंप्लीटेड। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है आप जरूर कमेंट कीजिए। एंड दोस्तों बिट डिफेंडर एंटीवायरस की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड Amazon के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं पहले भी बोला हूँ बिट डिफेंडर एंटीवायरस ग्लोबल में नंबर 1 है एंड आप अगर इसकी कंपेयर करेंगे प्राइस के हिसाब से आपको ओनली पे करना पड़ेगा 200 rupees 1 year 1 PC के लिए। तो दोस्तों इसकी प्राइस भी चीप है आप अगर कंपेयर करेंगे अदर एंटीवायरस के साथ। तो दोस्तों वीडियो इतना ही था, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एक लाइक आप जरूर कर देना। तो देखते रहिए ऐसे वीडियो, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।